उपाध्यक्षगण, महामंत्रीगण, मेरे भाइयों, मेरे भांजे, मध्य प्रदेश का चुनावी वर्ष चल रहा है, ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में नेताओं की आवाजाही बढ़ती जा रही, कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं। अभी फिलहाल दिग्विजय सिंह का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद बड़ा देव की स्थापना हुई, इन कार्यक्रमों को किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, आदिवासी क्षेत्र में ही कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी आए थे तो रीवा के लगभग 4 सीट 5 सीट में और सिंगरौली जिला और सीधी के धौनी में विधानसभा में गए। तो हमारी रणनीति कुछ सीटों को लेकर अलग है, हम खाली आदिवासी सीटों पर फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक भाजपा की बात है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार 18.5 साल से सरकार, बीच 15 महीने कांग्रेस की सरकार आई थी और एक बैगा प्रोजेक्ट है, अभी तक बैगा प्रोजेक्ट जो है तो उन्होंने नहीं लागू की। ये आदिवासियों की बात करते हैं, ये बोलते हैं कि आदिवासी हमारे भाई बहन हैं, लेकिन आज 18.5 साल से बैगा प्रोजेक्ट के लिए अपने अधिकारों के लिए भटक रहे हैं, जबकि बगल में शहडोल जिला है, वहाँ पे सारी सुविधाएं उनको मिलती है। वर्ष 2023 जो है विधानसभा का चुनावी वर्ष है, इसके लिए सीधी के आदिवासी क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, चुनाव अभी हम 23 में भी लड़ेंगे, 24 में, 23 में विधानसभा है नवंबर में और 24 में हमारा फिर से मार्च अप्रैल में लोकसभा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी वर्ष में 365 दिन और ये समझिए पूरे 5 साल चुनाव लड़ने के मूड में रहती है, और ना कि सिर्फ आदिवासी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, हमारे जितने भी कार्यक्रम आते हैं सभी क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि सीधी जिले का खासतौर पर अधिकांश क्षेत्र वनवासी, गिरवासी और आदिवासी क्षेत्र है, और सीधी विधानसभा का ही लगभग 30-35% क्षेत्र आदिवासी, सियावल का ऐसे ही है, चुरहट विधानसभा का जो खट्टी मंडल है और ऐसे पूरा आदिवासी क्षेत्र है, और एक तो आदिवासी पूरे क्षेत्र है जैसे आप धौनी विधानसभा। ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में ज़्यादा फोकस हो रहा है, हमारा हर क्षेत्र में बराबर फोकस है, कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि हम आदिवासियों के बीच में ही ज़्यादा काम करते हैं। निश्चित तौर से आदिवासी बंधु हमारे हमेशा प्राथमिकता पर रहते हैं, जब भी विकास की बात होती है तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो यहाँ का आदिवासी समुदाय है, जो हमारा अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसको शासन की सभी योजनाओं का सही तरीके से लाभ मिले, इसलिए हम लोगों का उस क्षेत्र में भी जाना निरंतर बना रहता है और बड़े नेता भी जो आते हैं हमारे वहाँ इस चीज़ को देखने जाते हैं। ये बैगा जो प्रोजेक्ट है उसका लाभ सिटी जिले में नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? बैगा प्रोजेक्ट की बात में तो निश्चित तौर से हमारे बगल में शहडोल जिले में है और डिंडोरी में है, बैगा प्रोजेक्ट हर जगह है। सीधी जिले में भी हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए, जब मैं अध्यक्ष था उस समय पर भी मुख्यमंत्री जी ने हमारे मड़वास की सभा में घोषणा किया था कि सीधी जिले में बैगा प्रोजेक्ट लागू करेंगे। इसके बाद फिर हमारी सरकार ही नहीं बन पाई और 1.5 साल तक उसमें डिस्टर्ब हुआ। अभी जब हमारे मुख्यमंत्री जी सिंगरौली आए थे, सिंगरौली में भी उन्होंने कहा है और सीधी भी जब आए थे तो सीधी में भी उन्होंने इस चीज़ की घोषणा किया है कि सीधी जिले में बैगा प्रोजेक्ट जो जिस तरीके से प्रदेश में अन्य जगह में लागू है यहाँ भी लागू हो। मेरी व्यक्तिगत बहुत इच्छा है कि हमारे जो बैगा बंधु हैं उनको जो प्रदेश में अन्य जिलों में जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वो हमारे सीधी के बैगा समुदाय को भी मिलना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि मिलेगा ही। यद्यपि ये विषय केंद्र से जुड़ा रिलेटेड विषय है, ये प्रदेश का मात्र विषय नहीं है। और इस हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।